तो भाइयों सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल और दबाओ इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल वेबमास्टर टूल में कैसे सबमिट कर सकते हैं। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाकर अपने जो अपनी ब्लॉग है उसको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर blogger.com सर्च करके अपनी जो ब्लॉगर ब्लॉग है उसमें ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो सिंपली आपको अपनी जो ब्लॉगर ब्लॉग है उसमें लॉगिन कर लेना है। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और जो ये आपका HTML या फिर जो आपका मतलब साइट कोड होता है, मतलब साइट का लिंक होता है, आपको सिंपली वो कॉपी कर लेना। सिंपली जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ तो आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अब आपको एक नया टैब ओपन करना है ना। तो सिंपली यहाँ पर आपको अब आपको यहाँ पर नया टैब ओपन कर लेना। नया टैब ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है गूगल वेब मास्टर टूल। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ गूगल वेब मास्टर टूल, है ना। तो आप सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो सर्च करने का जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर्च कंसोल होम, तो यही इस पर हमें सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सिंपली अब क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी सेकंड ईमेल आईडी जो लॉगिन कर लेता हूँ जिस पर अभी तक एक भी अकाउंट नहीं है। तो सिंपली लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको सिंपली अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर अपनी साइट लिंक डालना है। जैसे कि मैं यहाँ जूम करके आपको बताता हूँ कि वेबसाइट का लिंक डालना है। तो वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, अब ऐड अ प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक कर देना है, है ना। तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। बट आपको आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर इस वाला अल्टरनेट मेथड्स पे क्लिक कर देना है ना। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, सॉरी एक बार क्लिक करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो अब जूम करके मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है। अब आपको HTML टैग पे क्लिक कर देना है ना। तो यहाँ पर HTML टैग पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको एक HTML का यहाँ पर कोड दिख रहा है इसे आपको कॉपी करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जूम करके इसे कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्ट ऑल करना है और कॉपी कर लेना है ना। अब कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी जो ब्लॉगर ब्लॉग होती है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको थीम सेक्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है, है ना। तो थीम सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि एडिट HTML पर क्लिक करना है ना। तो ये जो आपका टेम्पलेट होती है या फिर जो थीम होती है उसमें आपको ये कोड सबमिट करना होता है। तो एडिट HTML पर आपको सिंपली क्लिक करना है, है ना। तो एडिट HTML पर क्लिक करने के बाद थोड़ी एक दो मिनट नहीं 10-15 सेकंड लोडिंग होगी, जो आपकी टेम्पलेट है वो लोडिंग होगी। तो लोडिंग होने के बाद सिंपली कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको एक चीज़ सर्च करनी है, हेडर, है ना, हेडर सर्च करना है। तो हेडर आपको सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में आपकी जो साइट है वो ओपन करनी पड़ेगी। तो आप क्रोम में डायरेक्टली तीन डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में साइट ओपन कर सकते हैं ना। तो तभी ये वर्क करेगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि ये लोडिंग हो जाएगी, फिर से थोड़ा सा टाइम लेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी लोडिंग हो चुकी है ना। तो अब सिंपली आपको करना है एडिट HTML में अगेन क्लिक कर देना है, बिकॉज़ अगर आप वो डेस्कटॉप मोड में करते हैं तो सेम सिचुएशन आ जाती है, बट आपको ऐसा कर लेना। अब यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे कि हमारा डेस्कटॉप मोड वर्जन ओपन हो गया है, अब आपको हेडर सर्च करना है यहाँ पर, है ना। अब हेडर सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हेडर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। हेडर के जस्ट आपको पास जो हमने कोड कॉपी करा था वो पेस्ट कर देना है हेडर के पास। ये देख रहे हैं आप हेडर ऑप्शन ग्रीन कलर का, उसके पास आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और पेस्ट कर देना है। सिंपली इतना करना है आपको। इतना क्लिक करने के बाद आपको सेव थीम पर क्लिक कर देना है बस, है ना। तो सेव थीम पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सेव थीम। सेव थीम पर बस जस्ट आपको क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है कि हमें चलना है अगेन गूगल वेब मास्टर टूल पे। और अब हमने ये मालूम कोड वेरीफाई के लिए सबमिट करा था, तो अब सिंपली हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे कि हमारी वेबसाइट है, ये बताना पड़ता है। तो आप सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, जो साइट का नेम है manishwari.tk। तो वो आपकी जो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है। तो वह सिंपली आप इसी तरह इस मेथड को फॉलो करके जो आपके गूगल वेब मास्टर टूल में आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट को मोबाइल से सबमिट कर सकते हैं। जबकि मैंने इसे बहुत बार ट्राई करा था, मोबाइल से नहीं हो रहा था, बट मैंने ये मेथड ढूंढा। तो आप अपनी ईजिली ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में टूल में सर्च करके अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को सर्च इंजन में ला सकते हैं। तो गाइस सिंपली आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर।
करिए, और अगर आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो आप करेंगे ही, और अगर आपको छोटे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।